हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसको आप कंफर्म सुनिएगा, एक एक सुनिएगा, पॉइंट मैं आपके दिमाग में भर दूंगा, ठीक है? आपके दिमाग को मोनेटाइज करके आपके दिमाग के अंदर डाल दूंगा, ओके? तो देखिए, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट को शुष्क आसवन करने से एसीटोन गैस प्राप्त होती है। कैसे? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी। निर्जल कैल्शियम एसीटोन को शुष्क आसवन करने से एसीटोन प्राप्त होती है। अब देखिए, इसका प्रयोगशाला विधि में इसकी डिफिनेशन क्या है। प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के को शुष्क आसवन करने से एसीटोन गैस प्राप्त होती है। अब एसीटोन का सूत्र देख लीजिए, एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3CO CH3। ये बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपकी दादी जी हैं, देख रही हैं कि मेरा पुत्तड़ पढ़ रहा है कि नहीं, और ये मम्मी जी हैं, बेटा पढ़ाई करते रहो, ठीक है? मम्मा देख रही हैं आपकी। तो चलिए, अब इसका समीकरण मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, कैल्शियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है? CH3CO CH3COO2 का होल ट्वाइज और CA। अब इसका शुष्क आसवन हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे ये एसीटोन गैस प्राप्त हो गई और CaCO3 गैस प्राप्त हो गई। अब इसकी विधि मैं बता दे रहा हूँ, इसकी आप लोग विधि देख लीजिए, ठीक है? इसकी विधि है कि तेरी मेरी कहानी जैसे बारिशों का पानी बनके जाए इसका बरसे। हाँ, विधि है दोस्तों कि एक धातु या कांच के रिटार्ट में, रिटार्ट क्या होता है? रिटार्ट ऐसे बना होता है कुछ, उसका आकार और आकृति थोड़ा चेंज होती है। रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है? उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर दिया, तो कोई दिक्कत? फिर से पढ़ो, एक धातु या कांच की रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट को लेकर चित्र अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कर देते हैं और रिटार्ट को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है। कन्फर्म, थम्सअप करो, समझ में आया? रिटार्ट को जब हम गर्म करते हैं तो एसीटोन गैस की वाष्प बनती है, जिसे संघनित्र से प्रवाहित करके, जिसे संघनित्र से प्रवाहित करने पर द्रव्य एसीटोन ग्राही में एकत्र हो जाता है, ठीक है? यहाँ तक याद करो, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करने पर द्रव्य एसीटोन में एकत्र हो जाता है। इस संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया जाता है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं। अब यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल कब बनते हैं? जब NaHSO3 के विलयन को हिलाकर 4 से 5 घंटे रख देते हैं, तो उसमें से एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं और इन क्रिस्टलों को पृथक करके इनमें Na2 अर्थात सोडियम मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? यहाँ पे देखिएगा, इन क्रिस्टलों को पृथक करने पर इनमें Na2 सोडियम मिलाकर मिश्रण का शुष्क आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होती है। शुद्ध एसीटोन प्राप्त होते हैं। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था और मैं इस वीडियो को थोड़ा सा रोमांचक बनाने वाला हूँ। तो देखिए, एसीटोन आपको प्राप्त हो गई और फिर इसे, जिसमें से जल H2O का कुछ अंश होता है, एसीटोन में ही जल का कुछ अंश होता है, और इसे शुद्ध एवं शुष्क एसीटोन प्राप्त करने के लिए एसीटोन को निर्जल CaCl2 से सुखाकर और पुनः आसवित करने पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होती है, जिसको संघनित द्वारा ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, वीडियो को थम्सअप कर दो, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो चुन चुन कर मारूंगा एक एक को। अब देखो, इसका चित्र दिखा देता हूँ, बिल्कुल कंफर्म दिमाग में बैठा देता हूँ आपके। तो अबे देख, यहाँ पे इसका चित्र है, ये देखो, एक फ्लास्क है, यहाँ पे एक तांबे की जाली है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है कैल्शियम एसीटेट, निर्जल है। निर्जल कैल्शियम एसीटेट को जब हम गर्म करते हैं, यहाँ पे थर्मामीटर भी लगा है, ये है रिटार्ट, हाँ ये है आपका रिटार्ट। जब हम निर्जल कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं
तो आपको एसीटोन गैस की वाष्प प्राप्त होती, जो कि इस द्रव्य से होते 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 इसको हम संघनित्र में लाते हैं। यहाँ पे हम ठंडा जल उसको देते हैं, ठंडा करते हैं, और यहाँ पे जल देते हैं उसको। और जब एसीटोन गैस बन जाती है, शुष्क आसवन भी उसका हो जाता है, तब ये ग्राही में एकत्र हो जाती है और यहीं से हम लोग पृथक करके अलग कर लेते हैं। वीडियो में कोई दिक्कत, थम्स अप करो, समझ में आया कि नहीं, जल्दी थम्स अप करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अगला वीडियो चाहिए तो चैनल पे नीचे कमेंट कर दो, मैं अगला वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।